दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके साथ भी ये कई बार हुआ होगा कि जब आप अपने किसी मित्र को अपने YouTube चैनल का नाम बताते हैं तो जब वो आपके चैनल का नाम YouTube पर सर्च करता है तो आपका चैनल सर्च में आता ही नहीं है। तो आप भी ये देख कर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं कि आपकी बहुत सी वीडियो वायरल भी हो रही है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है, फिर भी मेरा चैनल YouTube सर्च में क्यों नहीं आता। और बहुत सी बार जो छोटे यूट्यूबर है उनके 2,000-5,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनका चैनल YouTube सर्च में कैसे आ जाता है, तो आज हम आपकी समस्या का जड़ से समाधान कर देंगे और आपके चैनल को YouTube सर्च में भी लाके दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, ताकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट्स की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बताते हैं आपको आप अपने YouTube चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पर आपको डेस्कटॉप मोड पर अपने YouTube स्टूडियो को खोल लेना है और उस पर अपने YouTube चैनल को भी खोल लेना है। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा पेज होगा। अब नीचे यहां पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस सेटिंग के ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है चैनल का, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पर ऊपर लिखा होगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं डल रहे हैं तो आपको अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड्स लगा देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका चैनल यूट्यूब सर्च में टॉप पर कैसे आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल का एक यूनिक नाम होना चाहिए। अगर आप अपने चैनल का नाम ऐसा रखते हैं जिसके नाम से पहले ही बहुत सारे चैनल बने हुए हैं तो आपका चैनल कभी भी रैंकिंग में टॉपर नहीं आएगा, क्योंकि वो चैनल पहले से ही ग्रो कर चुके हैं और वो आपसे हमेशा ही आगे रहेंगे, क्योंकि उनकी वीडियो में पहले मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, हजारों में उनके लाखों में सब्सक्राइबर है। तो जाहिर सी बात है टॉप पे YouTube सर्च में चैनल भी उन्हीं का ही आएगा। तो इसीलिए आपको अपने चैनल का एक यूनिक नाम सोचना है जिससे कि जब भी कोई आपके चैनल को YouTube पर सर्च करे तो आपका ही चैनल टॉप रैंकिंग में सर्च पर आए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके चैनल का जो भी नाम है उसको यहाँ पर कैपिटल में कीवर्ड्स में लिखना है। अब दोबारा से आपको अपने चैनल का नाम स्मॉल लेटर में भी लिखना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके चैनल का नाम दो शब्दों में है जैसे टेक्निकल ज्ञान, तो यहाँ पर ये दो शब्द है, तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है कि टेक्निकल एक कीवर्ड अलग लिखना है और ज्ञान को अलग कीवर्ड में लिखना है और एक बार पूरे टेक्निकल ज्ञान को भी एक साथ लिखना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने एक ही नाम को इतनी तरह से क्यों लिखवाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके चैनल का नाम इसलिए इतनी तरह से लिखवाया है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके चैनल का नाम केवल टेक्निकल लिखे या फिर ज्ञान लिखे या फिर पूरा टेक्निकल ज्ञान लिखे आपका चैनल तुरंत सर्च में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रोसेस होने में कुछ दिन का समय लगता है। आपको अपने चैनल पर रेगुलरली वीडियो डालते रहना है और जैसे जैसे आपकी वीडियो YouTube एल्गोरिदम के सामने आएगी तो उसी के साथ आपके चैनल का नाम भी बूस्ट होने लगेगा। हाँ और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जगह आपको और भी कीवर्ड्स डालने होते हैं जो आपकी वीडियो को रैंक कराने में सहायता करते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके YouTube चैनल की कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 कीवर्ड्स डाल देने हैं। कीवर्ड्स आपको वही डालने हैं जिनके आधार पर आप यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति YouTube पर आपके कीवर्ड के अनुसार वीडियो सर्च करता है तो आपकी वीडियो उसके सामने तुरंत आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी वीडियो में हजारों लाखों में व्यूज आने लग जाएंगे जिससे कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपके सब्सक्राइबर भी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट की जानकारी दे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।